वहीं राजधानी में अगले महीने से शुरू हो रहे आईपीएल मैचों की तैयारियां अब अंतिम चरणों में हैं। इसे लेकर के रविवार को एक बैठक हुई। बैठक में आरसीए के अध्यक्ष सीपी जोशी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आईपीएल मैच से पहले एक बार फिर ललित मोदी और सीपी जोशी गुट की नाराजगी सामने आई है। रविवार को हुई बैठक में ललित मोदी गुट के माने जाने वाले आरसीए के सचिव आरएस नांदू मौजूद नहीं रहे। हालांकि सीपी जोशी ने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि वे पारिवारिक कार्यों के चलते उपस्थिति नहीं दे सके, लेकिन एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी का सोचने का नजरिया अलग हो सकता है। इस दौरान सीपी जोशी ने कहा कि बैठक में राजस्थान रॉयल्स के साथ जो काम करने हैं उन्हें लेकर के चर्चा की गई, वहीं एडवाइजरी कमेटी के साथ भी चर्चा हुई है। आईपीएल के कुछ कार्य अपेक्षित थे आरसीए से। जब आईपीएल के मैच होते हैं तो कुछ काम राजस्थान रॉयल वाले करते हैं, कुछ काम आरसीए करते हैं। उसके बारे में निर्णय करना था, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटी जब कंप्लीट करेंगे तब जाकर आईपीएल के मैच सक्सेस हो सकेंगे। उसके में चर्चा की और उसके बारे में जो फर्दर निर्णय लेना है कि हमारी एडवाइजर कमेटी की कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है, उनके साथी से हम चर्चा करेंगे। और हमने निर्णय किया कि उनसे चर्चा करने के बाद कल दोबारा हम मीटिंग करेंगे, जिसमें इसमें हम फाइनल निर्णय लेंगे कि कौन से काम आरसीए